सो एप्पल इवेंट हो चुका है और आईफोन की जो 15 सीरीज है वो फाइनली लॉन्च हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप चेंजेस की जो आपको आईफोन 15 सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आईफोन 15 सीरीज का इंडियन प्राइस पॉइंट क्या रहेगा और एग्जिस्टिंग आईफोन्स के ऊपर आपको कितना प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, खैर उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस बार भी हमेशा की तरह आपको आईफोन्स में चार मॉडल्स मिलेंगे, आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। सबसे पहला चेंज जो आप देखते ही नोटिस करोगे कि आपको सारे आईफोन्स में इस बार आपको पिन शेप नॉच देखने को मिलेगा। तो पहले का जो बड़ा सा नॉच था, बाय बाय टाटा, और डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है ना उसको भी 2000 निट्स तक बढ़ा दिया, और जो प्रो मॉडल से वहां पर बेजल्स थोड़े से पतले कर दिए, और फ्रेम के अंदर जो शार्प एजेस होते थे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाते थे, लेकिन अब उनको थोड़ा राउंडेड कर दिया तो फोन आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। बाकी परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा खासा अपग्रेड है। आईफोन की 15 और 15 प्लस जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे वहां पर आपको मिलेगा A16 बायोनिक चिपसेट जो लास्ट ईयर आईफोन की प्रो सीरीज के अंदर था, और जो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स होंगे वहां पर आपको मिलेगा A17 प्रो बायोनिक चिप। ये चिपसेट अभी के लिए वर्ल्ड का पहला चिपसेट है जो 3nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, पावर एफिशिएंट है और परफॉर्मेंस तो आपको एकदम जबरदस्त देखने को मिलेगी। और तो और कैमरास के अंदर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, प्रो मॉडल्स की तरह अब नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर भी आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप 2x जूम भी कर पाओगे जो काइंड ऑफ टेलीफोटो लेंस की तरह ही काम करेगा। इसके अलावा कैमरास के अंदर जो पोर्ट्रेट शॉट्स होता है वहां पर किसको ब्लर करना है, किसको आपको हाईलाइट करना है, वो आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था पहले, लेकिन अब काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। और सबसे हिस्टोरिकल चेंज जो आपको इस बार आईफोन 15 सीरीज के अंदर मिलने वाला है कि सारे आईफोन मॉडल्स के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फर्क दिखाने के लिए जो प्रो मॉडल्स होंगे वहां पर थोड़ा सा बेटर जनरेशन होगा और नॉन प्रो मॉडल्स में 2.0 आपको देखने को मिलेगा। बट जो भी इस बार चार्जर के लिए कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रो मॉडल्स है वहां पर स्टेनलेस स्टील मॉडल आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब वहां पर आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलेगा जो पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा जो अलर्ट स्लाइडर वाला ऑप्शन था वहां पर इस बार आपको एक्शन बटन दिया है जिसको आप मल्टी फंक्शन फीचर्स के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि फोन को साइलेंट करना, कैमरा को ओपन करना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, वॉइस रिकॉर्डिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी प्रो मॉडल्स के जो कैमराज है वहां पर सेंसर साइज को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। साथ ही साथ जो प्रो मैक्स मॉडल होगा वहां पर आपको इस बार टेलीफोटो लेंस मिलता है, वहां से आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, और हाई रेज वीडियो के अंदर आपको इस बार 4K 60fps तक की वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो लास्ट ईयर की तरह जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे वहां पर प्राइस पॉइंट सेम रहेगा। आईफोन 15 का प्राइस 80,000 होगा और आईफोन 15 प्लस का 90,000, लेकिन प्रो मॉडल्स के अंदर जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। जैसे कि अब आईफोन 15 प्रो आपको मिलेगा 1,35,000 के आसपास और आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको मिलेगा 1,60,000 के आसपास। अब 60,000 इसलिए कि यहाँ पर आपको कोई 128GB वेरिएंट नहीं मिलता, सीधा 256GB वेरिएंट मिलेगा। अब सवाल आता है कि पुरानी जो एग्जिस्टिंग आईफोन सीरीज है वहां पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, जैसे आईफोन अपनी नई सीरीज लॉन्च करता है अपने प्रो मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर देता है, लेकिन जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे आईफोन 14 और 14 प्लस वो 10,000 रुपए सस्ते हो चुके हैं। आईफोन 14 आपको मिलेगा 70,000 रुपए में और आईफोन 14 प्लस आपको मिलेगा 80,000 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कि बीबीडी सेल के अंदर कितना प्राइस ड्रॉप मिलेगा। तो देखो, पहले ही मैं अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, आईफोन 14 का जो प्राइस है वो आपको 50,000 के आसपास मिलेगा और आईफोन 15 प्लस का प्राइस आपको 60,000 से 70,000 के बीच में देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैनल के ऊपर वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। कमेंट्स में बताना कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।